नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। फटाफट अंदाज में रुख करेंगे 150 गांव 150 खबर का। डोंक में टोडा रायसिंह उपखंड के बांसेड़ा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन सम्पन्न हुआ है। टोंक में टोडा रायसिंह के श्री राम मंदिर में आयोजित पौष बड़ा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए शिक्षा संकुल राजस्थान जयपुर के वित्तीय सलाहकार रामगोपाल पारे का जयपुर से साइकिल द्वारा टोडा रायसिंह पहुंचने पर स्वागत किया गया। टोंक के टोडा रायसिंह थाना क्षेत्र के बेलगाम हुए भूस्खलन खनन और परिवहन पर अंकुश लगाते हुए थाना पुलिस ने एसआईटी के साथ जयपुर रोड चुंगी नाके पर नाकेबंदी कर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को बजरी परिवहन करते हुए जब्त किया है। टोंक में टोडा रायसिंह शहर के श्रीराम मंदिर में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। टोंक के दूनी में अज्ञात कारणों से लगी आग, 57 बकरी और एक पाड़ी जलकर राख हो गए। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जालौर जिले में प्राकृतिक आपदा आकाशीय बिजली से क्षति के प्रकरणों में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन से राज्य आपदा मोचन निधि CDRF के अंतर्गत प्रावधानों के तहत सहायता राशि स्वीकृत की गई है। जालौर में प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के फॉलोअप कैंप आयोजित किए जाएंगे। संपूर्ण जिले में जनवरी महीने में लगे फॉलो कैंप में समस्याओं का समाधान होगा। श्रीगंगानगर के अनुपगढ़ में यूरिया खाद नहीं मिलने पर आक्रोशित किसानों ने बस स्टैंड के सामने रोड को जाम किया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पंचायत समिति के नव निर्वाचित प्रधान और उप प्रधान का अभिनंदन समारोह व्यापार मंडल परिसर में आयोजित किया गया। इस दौरान विधायक जगदीश जांगिड़ मौजूद रहे। जैसलमेर के पोखरण में अल्पसंख्यक मामलात मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत कैलवा की ओर से निर्मित गौरव सेनानी शौकत अली शक्ति स्थल थाट का लोकार्पण किया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में नववर्ष के उपलक्ष्य में श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा अर्धरात्रि जागरण का आयोजन किया गया है। जैसलमेर के नोखा में गंदगी के ढेर और शमशान जाने वाले रास्ते पर लगातार गंदगी बढ़ती जा रही है। पहले ग्राम पंचायत ने यह गंदगी हटवाई थी लेकिन दोबारा गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जैसलमेर के फलसून में भाजपा नेता स्वामी प्रताप पुरी जी महाराज के आह्वान पर भाजपा पदाधिकारियों ने सड़क दुर्घटना में खत्म हुए करना राम मेघवाल के पिता को 21,000 का आर्थिक सहयोग प्रदान कर ढांढस बताया है। जैसलमेर के फलसून में फूल पुत्रों की बेरी में बनी पानी की टंकी और पशु खीली में जलापूर्ति नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जैसलमेर के रामदेवरा में रामधानी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट ने सफाई अभियान चलाया है। संस्था के 150 स्वयंसेवकों ने मोहनलाल सैनी के नेतृत्व में अलग अलग जगह पर सफाई कर कचरे को एकत्रित कर बाहर डाला है। उदयपुर जिले के गोगुंदा के सेमटाल में गुरु पुष्कर पावन धाम पर नववर्ष पर्व को लेकर जैनाचार्य विजय यशोवर्म सुरेश्वर महाराज ने पद्मावती महाराज माता की पूजा अर्चना की है। उदयपुर के झाड़ूर कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रमेश कटारा ने सभी ANM और CHA की बैठक ली है। उदयपुर जिले के मोरवाल में प्रशासन गांव के संघ शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पूर्व मंत्री मांगीलाल गरासिया सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। उदयपुर के खेरोदा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है। उदयपुर के गोगुंदा थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर दो बदमाशों को हिरासत में लिया है। इस दौरान बदमाशों द्वारा थाने में हंगामा करने पर पुलिस ने धारा 151 में गिरफ्तार कर पाबंद किया है। प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बैलों से भरी पिकअप को मुक्त करवाया है। साथ ही पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस ने शहर में निकाला रूट मार्च, साथ ही मास्क नहीं पहनने पर चालान करने की चेतावनी दी है। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में आए 10 नए कोरोना पॉजिटिव कुछ दिनों पहले। छोटी सादड़ी उपखंड पर 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। झुंझुनू के खिरोड़ कस्बे में भारतीय किसान संघ की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता सरपंच महावीर प्रसाद भामू ने की है। झुंझुनू के ग्राम हनुमानपुरा में किसानों के मसीहा सरदार हरलाल सिंह की 122वीं जयंती उनके पैतृक गांव में स्मारक स्थल पर मनाई गई। इसी दौरान किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है। झुंझुनू के कोलसिया में नववर्ष के दिन सुजरल माता मंदिर प्रांगण के सामने दूध महोत्सव मनाया गया। झुंझुनू के कृषि विज्ञान केंद्र आबूसर में वैज्ञानिक पद्धति से बकरी इकाई की स्थापना विषय 3 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। अलवर के गोविंदगढ़ कस्बे में रेलवे फाटक के पास रागनी और भजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलाकारों ने रागनी और भजनों के माध्यम से गौरक्षा और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया है। उदयपुर जिले के सरुम्बर कस्बे के इसरवास गांव में कमल क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने किया। उदयपुर जिले के झाड़ोल में मालवीय लोहार समाज के 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ झाड़ोल विधायक बाबूलाल खराड़ी ने किया। पाली के बाली में सीरवी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा 3 दिवसीय क्रिकेट मैच का समापन हुआ। सीरवी स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच में 10 टीमों ने भाग लिया जिसमें बगड़ी नगर की टीम विजेता और बाली की टीम उपविजेता रही। अलवर में नारायणपुरा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत अजयपुरा में वैक्सीन डोज लगाई गई। वैक्सीन डोज में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
करौली के इंडोन सिटी में अग्रवाल समाज के बन रहे मां लक्ष्मी के मंदिर को लेकर देश भर में निकाली जा रही लक्ष्मी मां की रथ यात्रा इंडोन पहुंची। रथ यात्रा का अग्रवाल समाज द्वारा स्वागत किया गया। अलवर के राजगढ़ खेकडीन गांव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और 5 बार विधायक रहे स्वर्गीय समर्थलाल मीणा की 88वीं जयंती मनाई गई है। धौलपुर में भारतीय किसान संघ तहसील बसेड़ी की बैठक भूमिया बाबा मंदिर पर में आयोजित की गई है। करौली में इंडोन सिटी की किराना परचून संघ की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें अनिल गोयल को फिर से किराना परचून संघ का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। करौली के इंडोन सिटी में जय लहकोट माँ युवा मंडल और दीनबंधु सेवा सोसाइटी की ओर से नववर्ष पर नशा मुक्ति अभियान चलाया गया और लोगों को दूध का वितरण किया गया। अलवर के खैरथल कस्बे में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत किशनगढ़वास उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश सारण के नेतृत्व में 4 दुकानों की मिठाइयों के सैंपल भरे गए। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा में लवली क्रिकेट द्वारा आयोजित ट्रॉफी में राष्ट्रीय लेवल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मुंबई इंडियंस टीम के अंदर राष्ट्र खिलाड़ी अजरुद्दीन ने भाग लिया है। अलवर में राजगढ़ कस्बे की गोल सर्कल स्थित हनुमान सिद्ध पीठ मंदिर पर संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन कर करीब 4000 कड़ी कचौरी का प्रसाद वितरित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर का जिला मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना को नियुक्त किया गया है। अलवर के रामगढ़ कस्बा के अलावड़ा में चल रहे क्रिकेट मैच को देखने आए दर्शकों के लिए चिकित्सा विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से स्पेशल कोरोना वैक्सीनेशन कैंप लगाकर टीकाकरण का काम किया गया है। अलवर के रामगढ़ में पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए शिक्षक संघ ने तहसील परिसर के सामने शाम को कैंडल मार्च निकालकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में पिपरेट ग्राम पंचायत के खोखला गांव में बन रही सड़क में घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। अलवर में तिजारा कस्बे के वार्ड 2 में काफी दिनों से नाला बंद पड़ा है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। धौलपुर के सैबो में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन स्वामी विवेकानंद युवा विकास मंडल रजारा खुर्द द्वारा किया गया है। अलवर में थानाकाजी एनपीएस योजना बंद करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकाला है। अलवर के कठुमर उपखंड क्षेत्र के ग्राम जटवाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में एसडीएम लाखन सिंह गुर्जर विकास अधिकारी समय सिंह मीणा के मुख्य आतिथ्य में भामाशाह और मेधावी विद्यार्थियों का साफा बांधकर सम्मान किया गया है। अलवर में शाजापुर के बाबा खेदानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द में वार्षिक उत्सव 14 जनवरी को मनाया जाएगा। धौलपुर के पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में एक बैठक आयोजन किया गया, जिसमें राज्य सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभजन आधार कार्ड के माध्यम से दिए जाने की कार्य योजना को लेकर जानकारी दी है। अलवर जिले के प्रसिद्ध भर्तृहरि धाम पर बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नववर्ष के दूसरे दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना से की शुरुआत। अलवर में निमराना से माजरी कला रोड जर्जर हुआ, आमजन को निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सवाईमाधोपुर के अग्रवाल समाज की जिला स्तरीय बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। जिलाध्यक्ष राजेश गोयल ने बौली के पदाधिकारियों से मुलाकात कर तैयारियों का जायजा लिया है। सवाईमाधोपुर में खंडार उपखंड क्षेत्र के जुड़ी कोटा सवाईमाधोपुर जिले की सीमा पर झरेल के बालाजी स्थल पर नए साल के अवसर पर पिकनिक मनाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कोटपुतली के रेनवाल में वार्ड 11 के मुख्य रास्ते में नालियों का गंदा पानी भरा होने के कारण आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जाक्सू में भावी निर्माण सोसायटी कार्यालय परिसर में जिला संयोजक अनुराग गौतम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। चौमू में नववर्ष के मौके पर वीर हनुमान जी के मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। चौमू में गोविंदगढ़ थाना इलाके के कुंभपुरिया गांव में खेत में बने कच्चे घर में फंदे पर लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। बूंदी के किशोराय पाटन कस्बे में वाहनों की आवाजाही से जाम जैसे हालात बनते जाते रहे हैं। कस्बेवासियों ने पुलिस से ट्रैफिक व्यवस्था सही करने की मांग की है। बूंदी के बावड़ी में आग से घर तबाह होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ने आर्थिक सहायता की है। उसी क्रम में बीती रात बूंदी विधायक अशोक डोगरा ने उनके घर पहुंचकर कंबल और सर्दी से बचने के सामान उपलब्ध कराए हैं। बूंदी में नई थाना क्षेत्र के केशव नगर में कुएं में गिरने से रमेश की मौत हो गई। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। अलवर में पंचायत समिति किशनगढ़वास के ग्राम पंचायत मुख्यालय बस स्टैंड पर समाज सेवी युवक ने यात्रियों के बैठने के लिए बेंच और पानी के लिए प्याव लगाई है। सवाईमाधोपुर में मलाना डूंगर उपखंड के खिरनी कस्बे के केशवराय जी मंदिर में पौषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भगवान को पौषबड़ा प्रसादी का भोग लगाकर प्रसादी वितरण की गई है। जामू के दौलतपुरा में हाईवे पर कोटा स्टोन पत्थर से भरा ट्रेलर पलट गया, गनीमत रही कि ट्रेलर चालक और परिचालक सुरक्षित बच गए। जामू की सब्जी मंडी में अव्यवस्थाओं से परेशान दुकानदारों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जामू के हरवाड़ा इलाके में चेक पोस्ट पर रफ्तार से आ रही कार ने पुलिसकर्मियों को कुचल दिया है। अजमेर के सरवाड़ में अखिल भारतीय बैरवा महासभा द्वारा महर्षि बालीनाथ जयंती पर 213 बैरवा प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। झलवाड़ जिले के बकानी स्थित गोविंद गौशाला के तहसीलदार राजेंद्र मीणा द्वारा चौक निरीक्षण किया गया है। अजमेर के सरवाड़ा में भाजपा के पूर्व मंत्री स्वर्गीय सांवरलाल जाट की जन्म जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई है।
झालावाड़ जिले के बकानी ब्लॉक के देवनगर में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी शिविर का आयोजन किया गया है। कोटा के मोईकला में श्री चौथ माता मंदिर ट्रस्ट भूलाहेड़ा और यूथ एक्शन फॉर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में मंदिर परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। अजमेर के सरवाड़ में आयोजित भाजयुमो क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में सातो लाव टीम ने गोयला को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया है। कोटा में भपावर पुलिस ने कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत छबड़ा हाईवे से दो ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध वर्षी सहित जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया है। झालावाड़ जिले के मकानी कस्बे से घर से बिना बताए निकले युवा गोविंद कुशवाहा का 3 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। कोटपुतली के ग्राम कांसली निवासी रामतार यादव के बैनर के भारतीय जीवन बीमा विभाग के सेवानिवृत्त होने से अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें विदाई दी है। सीकर के नीमका थाना में कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी और नई पेंशन योजना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया है। सीकर में नया साल के अवसर पर लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन किए। झालावाड़ शहर के सिटी फोर लेन पर इन दिनों आवारा मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसके चलते सर पर दौड़ रहे वाहन आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। सीकर में लक्ष्मणगढ़ के सावित्री बालिका विद्यालय के छात्राओं ने NSS शिविर के तहत लक्ष्मणगढ़ थाने का भ्रमण किया है। कोटपुतली में रेनवाल कस्बे की वार्ड संख्या 3 में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद भागवत कथा में सैकड़ों भक्तों ने कथावाचक संजय कृष्ण शास्त्री की ओर से सुनाई जा रही कथा का आनंद उठाया। कोटपुतली क्षेत्र में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता अभियान टीम द्वारा नववर्ष के अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की बैठक आयोजन किया गया है। जयपुर में फुलेरा थाना पुलिस ने देर रात में शराब के ठेके पर लूट और सेल्समैन से मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर के फलौदी स्थित नव भारत जागरण पार्टी के विस्तार कार्यक्रम के तहत मजदूर संगठन के मुख्य पदाधिकारी और अन्य सदस्यों की बैठक पार्टी कार्यालय में आयोजित हुई है। सीकर के अजीतगढ़ अस्पताल में भामाशाह विनोद यादव ने अपने बेटे स्वर्गीय विनय की पुण्यतिथि पर कंबल और चद्दर भेंट की है। करौली में कन्नूपुरा वॉलीबॉल क्लब के तत्वाधान में मंगल आदर्श माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर चल रही 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दौरान कई मैच खेले गए हैं। सीकर के नीमका थाना में नववर्ष के अवसर पर दूध महोत्सव मनाया गया है। जोधपुर के ओसिया में भूला सरिया निवासी एक व्यक्ति ने धूलिया नगर खेतासा निवासी 3 लोगों के खिलाफ शराब के पैसे मांग लिए और मारपीट करने का आरोप लगाया। करौली के गुलरघटा क्षेत्र में नवनिर्वाचित पंचायत समिति उपप्रधान आशा सैनी का स्वागत किया गया। क्षेत्रीय लोगों ने माला और शॉल उड़ाकर उपप्रधान का सम्मान किया। जोधपुर के बिलाड़ा में झाग ग्राम पंचायत में चिकित्सा विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में विभिन्न बीमारियों की जांच कर उपचार किया गया है। जोधपुर में बिलाड़ा की कुबाजी महाराज गौशाला में गाड़ी भेंट करने वाले भामाशाहों की समिति की तरफ से सम्मान किया गया और गाय को हरा चारा डाला गया। चूरू के सरदार शहर में नववर्ष के उपलक्ष पर शहर में अनेकों स्थानों पर पौषबड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। लोगों को बड़े खिलाए जा रहे हैं। इधर बांसवाड़ा के तलवाड़ा में एक युवा कोरोना पॉजिटिव मिला है। युवक को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। चूरू के रतनगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नववर्ष के शुभ अवसर पर राज्य सरकार की निःशुल्क साइकिल योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बाड़मेर के चौटन कस्बे में एक घर के आगे खड़ी बोलेरो कैंपर गाड़ी को रात में अज्ञात चोर चुराकर फरार हो गए। बांसवाड़ा जिले की पंचायत समिति क्षेत्र के 98वें परिवार को TAT मंत्री अर्जुन सिंह मामनिया ने वन अधिकार पत्र के पट्टे वितरित किए हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ कस्बे में अज्ञात वाहन ने युवक को टक्कर मारी। घायल युवक को चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर के ओसिया में हरिओम नगर भीकमकोर निवासी एक व्यक्ति ने मतोड़ा थाना क्षेत्र के पाबूनगर निवासी लोगों के खिलाफ पुत्री के दहेज देने के लिए परेशान करने और मारपीट करने का आरोप लगाया। बाड़मेर के सिवाना में सिमदड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 किलो अवैध डोडा पोस्त और पिस्टल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। बांसवाड़ा जिले के भूगड़ा थाना क्षेत्र के चीवी गांव निवासी युवक का शव नहर में मिला है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। बांसवाड़ा जिले में समाईपुर गांव के युवक का शव नदी में मिला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर जोधपुर के देवरी में देर सरोवर तालाब को सुधारने की कवायद जोरों पर है। तालाब सुधार का काम ग्राम पंचायत की ओर से करवाया जा रहा है। जोधपुर के फलौदी में नई पेंशन योजना के विरोध में कर्मचारियों ने नगर पालिका चौराहे से व्यास सर्कल तक कैंडल मार्च निकाला है। जोधपुर के ब्लॉक शेखासर गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में सौर ऊर्जा कंपनी के सहयोग से मोबाइल साइंस लैब द्वारा मेले प्रभारी सुमेर गोस्वामी के नेतृत्व में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है। जोधपुर में बावड़ी के सेवा गांव में प्रार्थी रामदयाल ने जबरन खेत में घुसकर खूंटा और मेड़ तोड़ने का मुकदमा श्रवण राम के खिलाफ दर्ज करवाया है। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर छापा मारा। पुलिस ने महिला और दलाल को गिरफ्तार किया है। और चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। रायन बसेरो को सीएम की मदद।
चर्चा में पायलट का पीस अटैक। ओमिक्रॉन पर मंत्रियों का अलर्ट। वैक्सीनेशन की आड़ में नसबंदी। देखिए आपड़ा राजस्थान शाम 7 बजे। और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। भिलवाड़ा के गंगापुर में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खांकला की ओर से SC ST पंप योजना के तहत ग्राम पंचायत के 4 लाभार्थियों को ऋण वितरण किए गए। जोधपुर में बिलाड़ा के उचियाड़ा गांव में 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ है। बाड़मेर में शिवताना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 68 पर बड़ियाड़ा के पास एक कार असंतुलित होकर पलटी खा गई। बारा के शाहबाद में NPS को लेकर कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला है। बारा के बीलखेड़ी माल में सीको ईडी कोन द्वारा पोषण वाटिका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बारा के शाहबाद में नए साल पर पर्यटकों की जमकर भीड़ रही है। बारा के नाहरगढ़ में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बारा के समरानिया क्षेत्र में सर्दी से लोग बेहाल हैं। दौसा जिले के ग्रामीण अंचल में शीतलहर का दौर लगातार जारी है। दौसा के किराए में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। चूरू में 13 जनवरी को सरदार शहर के पूर्व मंत्री स्वर्गीय दौलत राम सहारण की 99वीं जयंती मनाई गई। चूरू में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा बैंक के 10वें स्थापना दिवस के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नागौर जिले के किवसर के भामडा के निकट मोटरसाइकिल फिसलने से मोटरसाइकिल सवार 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। नागौर जिले के कुचेरा कस्बे में शिवनगर में श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया गया है। नागौर जिले की मेरता सिटी में निकट सातलावास गांव के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया है। चित्तौड़गढ़ में रावतभाटा के नववर्ष के मौके पर नगर पालिका की ओर से मानव मंदिर खेल मैदान प्रतियोगिता में आतिशबाजी की गई है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर से मेरता जाने वाली सड़क पर कीचड़ फैला हुआ है।
चित्तौड़गढ़ के बेगू में क्षेत्र के पारसोली कस्बे में कोरोना के रैंडम जांच के दौरान उदयपुर निवासी 60 वर्षीय व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिला है। नागौर जिले के ढिकाना में माहेश्वरी नवयुवक मंडल के तत्वावधान में प्रश्नोत्तरी चित्रकला सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। चित्तौड़गढ़ के बेगू में राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविर के दौरान राजकीय महाविद्यालय में स्वयंसेवकों ने काटुंडा गांव में पौधारोपण किया है। चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ के दान पत्र से निकले 2,69,59,00,000 रूपये। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में लोहारी ग्राम पंचायत के सुठाला गांव में आदिवासी जनजाति की ओर से नववर्ष के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। दौसा के सिकंदरा में SBI बैंक के कार्मिकों ने नए वर्ष पर बैठक का आयोजन कर बैंक में आने वाले ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करने का संकल्प लिया है। दौसा के ग्रामीण अंचल में अभी भी बहुत से लोग वैक्सीन लगाने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। बड़े शहरों की तर्ज पर अब चूरू जैसे छोटे शहरों में भी कैफे में अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं। चित्तौड़गढ़ में थाना क्षेत्र बेगू के सांवरिया गांव में एक पास बाइक की चपेट में आने से 62 वर्षीय महिला की मौत हो गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में अणुव्रत आंदोलन के मुनि संबोध कुमार ने शहीदों के संग्रहालय भारत हवेली का अवलोकन किया है। चूरू के बिदासर में NPSEFR के प्रांतीय आह्वान पर और रेस्ट्रा के संयुक्त तत्वाधान में समस्त विभागों के 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों ने NPS के विरोध में पैदल मार्च निकाला है। जोधपुर में भीपार थाना पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन में अवैध खनन माफियाओं के विरुद्ध चलाए गए अभियान में 5 बजरी से बड़े डंपर पकड़े हैं। भीलवाड़ा के रायला में मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान चिरंजीवी राज्य स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है। झालावाड़ शहर के धनवाड़ा कॉलोनी निवासी शराबी पति बंटी लंगड़े ने शराब के पैसे नहीं देने से नाराज होकर अपनी पत्नी पर शराबी बोतल से हमला कर दिया। अजमेर के सरवाड़ में गोयला ग्राम सेवा सहकारी समिति में इफको कंपनी द्वारा किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ है। अजमेर के ब्यावर में लाइफलाइन रक्तदाता ग्रुप के प्रचार प्रसार संयोजक महावीर कुमावत द्वारा रक्तदान कर नववर्ष का आगाज किया गया। सवाईमाधोपुर में मलाना डूंगर उपखंड के खिड़नी कस्बे में केशव राय जी मंदिर में पौष पड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अलवर में रामगढ़ कस्बे की छोटी बावड़ी मंदिर के पास मिट्टी से भरे ट्रैक्टर चालक ने रिक्शा चालक को पीछे से टक्कर मार दी। अलवर में नारायणपुर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत अजयपुरा में भैरवनंद महाराज मुक्तिधाम आश्रम पर पौषपड़ा महोत्सव मनाया गया। झुंझुनू में खिरोड़ ग्राम पंचायत के सरपंच महावीर प्रसाद भामू ने जिला प्रशासन से चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। उदयपुर के झाड़ू कस्बे में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रमेश कटारा ने सभी ANM और CHA की बैठक ली है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में पंचायत समिति के नवनिर्वाचित प्रधान और उपप्रधान का अभिनंदन समारोह व्यापार मंडल परिसर में आयोजित हुआ है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान।